दोस्तों के बीच अक्सर हंसी ठिठोली मजाक मस्ती की बातें होती हैं, लेकिन क्या कभी आपने सुना है दोस्त को चिढ़ाने की सजा मौत हो सकती है, वो भी इतनी बेरहम कि रूह कांप जाए। आखिर कहां दोस्त बना हैवान, देखिए। कातिल छोड़ गया कत्ल का सुराग, हत्यारे का वो सवाल बना गले की फांस, घूमने का प्लान दिल में इंतकाम, धारदार हथियार से वार दोस्त का मर्डर, चिढ़ाने की सजा मौत। लखनपुर थाना इलाका कुंवरपुर गांव का ये डैम, जिस जगह पर ऐसी हैवानियत की या यूं कहें इस तरह से कत्ल किया गया कि किसी की भी रूह कांप जाए। मुकेश यादव नाम के शख्स की गर्दन पर वार किया गया था। वहशी पर ऐसा कि पेट पर वार करके आंतड़ी तक निकाल दी। ये सीन ऑफ क्राइम इस आरोपी के इंतकाम की कहानी को साफ साफ बयां कर रहा था। जिसके दिल में नफरत कितनी है ये इसकी आंखें बयां कर रही हैं। न चेहरे पर शिकन, न गुनाह का पछतावा, पुलिस वालों के सामने भी अकड़ जस की तस। लखनपुर पुलिस को सूचना मिली कि घटना दिनांक 15/6/2024 को कुंवरपुर नहर पुलिया के पास में एक व्यक्ति की लाश पड़ी हुई है। पुलिस घटना स्थल पर जाकर देखी, मृतक की पहचान मुकेश यादव बाजारपाड़ा लखनपुर के रूप में हुई और मृतक की जो बॉडी थी उसमें उसके गले में धारदार हथियार और पेट में धारदार हथियार के चोट के निशान थे, साथ ही सर के पीछे में भी चोट के निशान थे। अंबिकापुर में आरोपी नीरज साहू ने खुद अपने कत्ल का सुराग दिया। ये सुराग पुलिस के हाथ यूं लगा। दरअसल मृतक मुकेश यादव के आखिरी लोकेशन आरोपी नीरज साहू के साथ मिली। नीरज साहू जो तैश में आकर मुकेश की तलाश कर रहा था, जिसने यही सवाल किया मुकेश कहां है। नीरज साहू मुकेश को तलाश कर रहा था, ये बात जब पुलिस वालों को पता चली तो शक के बिना पर नीरज से पूछताछ हुई, जिसमें उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। जो आरोपी की धरपकड़ के लिए पुलिस ने प्रयास किया, उसके घर में, घर के पास में उसका जो दोस्त है नीरज साहू वो रहता है बाजारपाड़ा में, और ये पता चला कि नीरज साहू ये सवेरे अर्ली मॉर्निंग जो है उसका पता करने के लिए आया था। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसे हिकमत अमनी से पूछताछ किया, जिसमें कि नीरज साहू ने मृतक मुकेश यादव की हत्या करना कबूल किया है। नीरज ने बड़े शातिर चाल चली मुकेश के कत्ल के इरादे से घर से निकला, पास में हथियार था, मुकेश को अपने साथ घुमाने का बहाना बनाया, लेकिन इरादे खौफनाक थे। बेरहमी से उसका कत्ल किया और वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। चिढ़ाने की सजा मौत। दोस्ती के रिश्ते का ऐसा खौफनाक द एंड हुआ। नीरज और मुकेश दोनों जिगरी यार थे, लेकिन मुकेश का बार बार नीरज को चिढ़ाना उसकी मौत बन गया। आरोपी और मृतक एक दूसरे के दोस्त थे और एक दूसरे के साथ में घूमते फिरते रहते थे, और आरोपी जो था पूर्व में नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती हुआ था। मृतक आरोपी को हर बार ये चढ़ाता था कि नशा केंद्र में भर्ती हुए, और इस तरह की छोटी मोटी बातों से चिढ़ा करके जो आरोपी था वो क्षुब्ध हो चुका था, और उसने अपने दोस्त को मारने की नीयत से प्लानिंग की थी और उसने अपने दोस्त मृतक मुकेश यादव की हत्या की। दोस्त को चिढ़ाने की सजा मौत, ये वारदात रोंगटे खड़े कर देती है। अंबिकापुर में श्रवण कुमार महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। केरल टू कोरबा, रिश्तों का कत्ल, मैरिज इनकार, बेटे का प्रतिकार और इस कत्ल में शादी की बात ने रिश्तों में खूनी दरार डाल दी। इस जल्लाद औलाद का वहशीपन देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। जल्लाद औलाद का कहर, शादी की बात पर खूनी खेल, धारदार हथियार से वार हैवानियत की हदपार, मैरिज के लिए इनकार, इंतकाम। केरल टू कोरबा, रिश्तों का कत्ल। करीब 2000 किलोमीटर दूर केरल भागने की फिराक में ये कातिल था, नाम अशोक केवट, जिसने धारदार हथियार से बुजुर्ग दिलचंद केवट की बेरहमी से हत्या कर दी। धारदार हथियार से खूनी खेल खेला बुजुर्ग दिलचंद की हत्या करने वाला आरोपी अशोक मृतक दिलचंद का बेटा है। केरल में अशोक काम करता था, जिसे पिता ने घर बुलाया था कि बेटा मकान बनाने में मदद करेगा, लेकिन बेटे ने घर की खुशियां एक पल में ही छीन ली।
कल रात करीब 12 बजे कॉल आया डूंगरो गांव से कि वहां पे एक दिलचंद केवट की हत्या कर दी गई है, जिस मामले की तस्दीकी करने के लिए मैं पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार अपने स्टाफ के साथ गया, तो मामले की विवेचना दौरान ये जानकारी मिली कि उसके पुत्र अशोक केवट द्वारा उसकी हत्या शादी की बात को लेकर कर दी गई। पिता की हत्या करने के बाद अशोक राज खुलने के डर से भाग रहा था, लेकिन पुलिस ने उसे धर दबोचा। आखिर एक बेटा क्यों जल्लाद बन गया, वजह सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। कंघे का उपयोग किया गया था उसकी हत्या करने में। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और शीघ्र अतिशीघ्र माननीय न्यायालय पेश किया जाए। पिता दिलचंद का गुनाह बस इतना था कि उसने बेटे से यही कहा था, बेटा घर बसा लो, शादी कर लो, लेकिन अशोक मैरिज के लिए इनकार कर रहा था, जिसे पिता की शादी करने वाली बात चुभ गई, इतनी चुभी कि उसने पिता की जान ही ले ली। दिलचंद केवट का लड़का अशोक केवट ये केरल में रोजी मजदूरी का काम करता था। रोजी मजदूरी करने के दौरान उसके पिता दिलचंद केवट ने उसको प्रधानमंत्री आवास निधि के तहत जो मकान बनाया जा रहा है उसके लिए निर्माण के लिए सहयोग के लिए उसको बुलाया था। उसी दौरान खाने पीने के बाद शादी ना करने की बात को लेकर इसके द्वारा टंगिया से मारकर उसकी हत्या कर दी गई। हाँ, ये निश्चित रूप से अगर पुलिस तुरंत कार्रवाई नहीं करती तो ये केरल भागने की फिराक में था। सोचिए जरा, आखिर इस बुजुर्ग पिता का कसूर क्या था। कोरबा में अब्दुल असलम के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और अब देखिए ऑपरेशन लुटेरे के वो शातिर खिलाड़ी जो जेल से छूटे, बाहर आए, लेकिन जुर्म से तौबा तौबा नहीं की, बल्कि इन बदमाशों ने अगली लूट का प्लान बनाया। कैसे तीसरी आंख ने इनकी खबर ली, देखिए खुलासा। नीमच टू राजस्थान, लुटेरे यहां हैं। नकाबपोश बदमाश 3.5 लाख रुपए की लूट। नीमच टू राजस्थान, लुटेरों का मिला सुराग। जेल से छूटे फिर कर दी लूट। सलाखों में शातिर लुटेरे, 3 दिन ऑपरेशन लुटेरे। तस्वीरों में नजर आ रहे इन बदमाशों की कुंडली पहले सुन लीजिए, फिर इनके गुनाह में शामिल सबसे ताजा तस्वीर दिखाएंगे। नाम सद्दाम, दूसरे आरोपी का नाम सोनू। लूट करने में दोनों माहिर, 1 महीने पहले ही जेल से छूटे लूट के मामले में, लेकिन जुर्म से तौबा करने के बजाय फिर से जुर्म के रास्ते पर चल पड़े, लूट की वारदात को अंजाम दिया। स्कूल में भी इनके द्वारा ऐसे कई अपराध जो है लूट के, मारपीट के और चोरी के कार्य किए गए हैं। इसमें जो एक आरोपी है सद्दाम, उसके ऊपर करीब 18 अपराध पंजीबद्ध है, और दूसरा जो आरोपी है सोनू, उसके ऊपर 8 अपराध पंजीबद्ध है। दरअसल 10 जून को फरियादी नाथूलाल इस गैंग का शिकार हुए, जो बैंक में रुपए जमा करने गए थे, लेकिन उन पर लुटेरों की नजर पड़ गई। बैग छीनकर दोनों आरोपी फरार हो गए। नीमच के जावत का ये मामला है। सीसीटीवी की मदद से लुटेरों का सुराग हाथ लगा, लोकेशन मिली राजस्थान। प्रतापगढ़ के दोनों आरोपी रहने वाले हैं। जावत थाना क्षेत्र में एक लूट का मामला सामने आया था। फरियादी द्वारा, जो फरियादी है इसमें नाथूलाल पिता नंदा जी धनगर, उम्र 51 वर्ष, मोड़ी के रहने वाले हैं, उनके द्वारा बताया गया कि ये बैंक में केसीसी जो किसान क्रेडिट कार्ड रहता है उसकी राशि जमा करने के लिए जा रहे थे, और राशि चूंकि टाइम पर जमा नहीं हो पाई तो ये वापस उसको लेकर लौट रहे थे, और उसी दौरान इनके साथ 2 नकाबपोश व्यक्तियों ने डिलक्स गाड़ी पर लूट की घटना और इनसे वो कैसे चीज। 3 दिन तक पुलिस की टीम ने राजस्थान में दबिश दी, और तब जाकर लुटेरे पुलिस के हाथ आए, जिनका काम है लूट करना। दूसरे अपराध भी इन पर दर्ज हैं। इसमें आरोपियों को तुरंत जैसे ही पुलिस के पास सूचना आई, इसमें मामला पंजीबद्ध करके हम लोगों ने आरोपियों की तलाश चालू करी, और हम लोगों ने जितने भी वहाँ रास्ते में कैमराज लगे हुए हैं उन सभी कैमरास को खंगाला, जिसमें कुछ फुटेज हम लोग क्लियर मिली, और उस फुटेज को हम लोगों ने राजस्थान की टीम से सर्कुलेट कराकर वहां से तब्दील कराने पर 2 लोगों की पुष्टि होना। पुलिस की टीम इनकी क्राइम कुंडली खंगाल रही है, आखिर कितने और अपराध किस किस जगह पर किए गए।
इसमें हमारी टीम जो है लगातार 3 दिन तक राजस्थान में अलग अलग थाना क्षेत्रों में दबिश देती रही। काफी प्रयास करने के बाद ये 2 लोग जो है हम लोग को मिले हैं, दोनों आरोपी, जिनके द्वारा जुर्म स्वीकारा गया है और इनके द्वारा बताया गया कि ये अभी कुछ दिन पहले ही, महीना भर भी नहीं हुआ है, ये लोग ना जेल से छूट के आए हैं लूट के अपराध में और इनके द्वारा फिर से ये अपराध कार्य किया है। 3.5 लाख रुपए जो है लूट कर ये लोग लेके गए थे, जिसमें से 3 लाख रुपए पुलिस ने बरामद किए हुए हैं, 50,000 रुपए आरोपियों द्वारा खर्च करना बताया गया है। इसमें अभी हम लोग ये भी प्रयास कर रहे हैं कि जितनी जगह वांछित है उन सभी जगह हम लोग संपर्क कर रहे हैं, जिन जिन केसेस में ये फरार है उन सभी जगह हम लोग संपर्क कर रहे हैं और वहाँ पर भी इनको अरेस्ट के लिए या जो भी जानकारी दे रहे हैं ताकि वहाँ पर भी जो भी वैधानिक कार्रवाई है वो हो सके। क्या इस गैंग में कोई और भी शामिल है? अब तक कितने अपराध? जांच जारी है। नीमच में विश्वदेव शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। सूरजपुर के मांडर गांव में आकाशीय बिजली की